क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया की इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं विदेशियों से शादी क्यों करती हैं? हमने 48 एशियाई देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की जांच करके इस दिलचस्प प्रश्न का गहराई से अध्ययन किया है। आज हम उन शीर्ष 10 देशों के बारे में बात करेंगे जहां महिलाएं विदेशियों से विवाह करने की सबसे अधिक संभावना रखती हैं, तथा इन अंतर सांस्कृतिक संबंधों के पीछे के दिलचस्प कारणों का पता लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी खूबसूरत एशियाई महिलाएं, विशेषकर भारत की, विदेशियों से विवाह क्यों करना पसंद करती हैं? ये प्रवृत्ति विशेष रूप से विदेश में रहने वाली महिलाओं या उच्च शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं में देखने को मिलती है। कई भारतीय महिलाओं के लिए विदेशी से विवाह करने से बेहतर आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर का अवसर मिलता है। यह उन्हें निर्धारित विवाह, जाति व्यवस्था और कठोर लिंग भूमिकाओं जैसे प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंडों से बचने का अवसर भी देता है। इन सीमाओं से बाहर विवाह करके वे अपनी स्वतंत्रता पर जोर देते हैं तथा अधिक समान और सम्मानजनक संबंध चाहते हैं। प्रेम और अनुकूलता भी उनके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई भारतीय महिलाएं विदेशी पुरुषों से सिर्फ इसलिए शादी कर लेती हैं क्योंकि वे उनसे प्यार करती हैं। भारतीय महिलाएं अपने सुडौल शरीर, गहरे भूरे रंग की आंखों, लंबी घनी पलकों और चमकदार बालों के लिए जानी जाती हैं। रिश्तों में वे बहुत वफादार और प्रतिबद्ध होते हैं तथा प्रेम और समर्पण को महत्व देते हैं। वे लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के साथ विभिन्न भूमिकाओं में संतुलन बनाते हैं जिससे वे मजबूत, पोषण करने वाले और परिवार उन्मुख बनते हैं। भारत में रहना कई पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत सस्ता है। जीवन शैली और स्थान के आधार पर एक दंपति $1,500 से $2,000 प्रति माह पर आराम से रह सकता है। उदाहरण के लिए केरल में एक अर्ध सुसज्जित दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत $120 से $180 प्रति माह है। भोजन, परिवहन और उपयोगिताओं जैसे अन्य खर्च भी वहनीय है। इसके अलावा भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत तथा योग एवं ध्यान जैसी कल्याणकारी प्रथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कई सेवानिवृत्त लोगों को इन समग्र दृष्टिकोणों में शांति मिलती है जिन्हें पूरे देश में व्यापक रूप से अपनाया गया है। ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय महिलाएं विदेशियों से विवाह क्यों करना पसंद करती हैं? कृपया नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। 9. कजाकिस्तान। कजाक महिलाएं विदेशों में नए अनुभवों और अवसरों की उम्मीद से आकर्षित होकर तेजी से विदेशी पुरुषों से विवाह कर रही हैं। ये प्रवृत्ति बेहतर आर्थिक संभावनाओं और उच्च जीवन स्तर के आकर्षण से प्रेरित है। उच्च शिक्षित, जिनमें से लगभग 80% के पास उच्च डिग्री है, ये महिलाएं ऐसे जीवन साथी की तलाश करती हैं जो उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करे और उनकी करियर संबंधी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करे। विदेशी पुरुष, जो अक्सर लैंगिक भूमिकाओं और पारिवारिक गतिशीलता पर प्रगतिशील विचार रखते हैं, स्थानीय पुरुषों की तुलना में इस आदर्श पर अधिक खरे उतरते हैं। कजाकिस्तान भले ही इस क्षेत्र के अन्य देशों की तरह प्रसिद्ध न हो, लेकिन इसकी महिलाएं असाधारण रूप से खूबसूरत हैं और अच्छी पत्नियां बनती हैं। वे वफादार होती हैं और रिश्तों में पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का सम्मान करती हैं तथा उन्हें पत्नी के रूप में पसंद किया जाता है। उनकी सामान्यतः बादाम के आकार की भूरी आंखें और लंबे काले बाल होते हैं तथा उनका शरीर सुडौल होता है जिसमें पूर्वी एशियाई विनम्रता और स्लाविक शक्ति का मिश्रण होता है। कजाकिस्तान में जीवन यापन लागत अपेक्षाकृत सस्ती है। एक अकेला व्यक्ति मासिक $712 से $100 खर्च करता है। अस्ताना के सिटी सेंटर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया लगभग $327 प्रति माह है, जबकि उच्च श्रेणी वाले क्षेत्रों में यह $980 तक पहुंच जाता है। केंद्र के बाहर किराया औसतन $227 के आसपास है। कजाकिस्तान के आधुनिक बुनियादी ढांचे में, विशेष रूप से अस्ताना और अल्माटी जैसे शहरों में, उच्च तकनीक वाले मॉल, विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। यह विकास सेवानिवृत्त लोगों को पश्चिमी मानक आराम और सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त देश में स्थिर राजनीति और कम अपराध दर है जिससे निवासियों के लिए मानसिक शांति सुनिश्चित होती है। कजाकिस्तान से निकलते ही अगला गंतव्य आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी मदद कर सके तो बता दूं कि सदस्यता बटन दबाने में बस 10 सेकंड का समय लगता है। बदले में हम आपके लिए शो को और भी बेहतर बनाने का वादा करते हैं। सौदा 8, मलेशिया। कई मलेशियाई महिलाएं, विशेष रूप से विशिष्ट जातीय पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं, विदेशियों से विवाह को बेहतर आर्थिक संभावनाओं और पारंपरिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग मानती हैं।
यह आकर्षण आर्थिक रूप से सुरक्षित महिलाओं में प्रबल है, जो भावनात्मक स्थिरता और समर्थन की इच्छा रखती हैं, तथा मानती हैं कि विदेशी पुरुष उन्हें बेहतर जीवन स्तर और गहन भावनात्मक संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। इन महिलाओं के लिए अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से सहायता करना, विवाह व्यवस्था के तहत मासिक भत्ता, आवास और व्यवसाय के अवसर प्रदान करना आम बात है। मलेशियाई महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके बाल काले और सीधे से लेकर लहरदार तक होते हैं तथा उनकी त्वचा का रंग चमकदार सफेद से लेकर सुनहरे भूरे रंग तक होता है। वे गहरे भावनात्मक संबंधों को महत्व देते हैं और प्रेमपूर्ण रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अधिकांश बहुभाषी हैं, मलय और अंग्रेजी में धारा प्रवाह है, जिससे विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संदर्भों में उनका आकर्षण बढ़ जाता है। मलेशिया में जीवन यापन की लागत कई पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है। मासिक खर्च $800 से लेकर $2000 तक है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत $20,320 प्रति माह और एक बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत $30,530 के बीच है। बजट रेस्तरां में भोजन की कीमत $2.5 के बीच होती है, जबकि मध्यम श्रेणी के रेस्तरां में दो लोगों के लिए तीन कोर्स भोजन की कीमत $15 से $50 तक होती है। मलेशिया माई सेकंड होम टू एज कार्यक्रम कई लाभ प्रदान करता है, जिसके तहत प्रतिभागियों को विस्तार की संभावना के साथ 10 वर्षों तक मलेशिया में रहने की अनुमति मिलती है तथा वे कई पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद ले सकते हैं। 7. श्रीलंका। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका भारत के निकट एक मनोरम द्वीप है। महिलाएं अपनी सांस्कृतिक गहराई, आकर्षण और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बौद्ध मूल्यों से प्रभावित उनकी आकर्षक गहरी आंखें और चिकनी त्वचा के कारण वे दयालुता और सम्मान के प्रतीक हैं। कई श्रीलंकाई महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और अंग्रेजी बोलती हैं, जिससे उनका आकर्षण बढ़ जाता है। तो फिर क्यों कई श्रीलंकाई महिलाएं विदेशी पुरुषों से शादी करना पसंद करती हैं? मुख्यतः वे विदेशों में बेहतर आर्थिक स्थिरता और जीवन स्थिति का अनुभव करते हैं। अकेला व्यक्ति $500 से $600 प्रति माह किराया छोड़कर पर आराम से रह सकता है। शहर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया प्रति माह लगभग $193 है, जबकि शहर के बाहर इसका किराया लगभग $90 है। बाहर भोजन करना बजट के अनुकूल है। बजट रेस्तरां में भोजन की लागत लगभग $1.37 है और दो लोगों के लिए मध्यम श्रेणी के तीन कोर्स भोजन की लागत लगभग $18 है। ये देश प्रवासी सेवानिवृत्त लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण, कम अपराध दर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। एक सक्रिय प्रवासी समुदाय सहायता और सुरक्षा युक्तियां प्रदान करता है, जिससे श्रीलंका उन लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाता है जो विदेश में आराम और रोमांच दोनों की तलाश में रहते हैं। नंबर 6. वियतनाम। वियतनाम अंतरराष्ट्रीय डेटिंग और विवाह के लिए एशिया में एक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। वियतनामी महिलाएं अपनी नाजुक सुंदरता, पतली काया, रेशमी बाल और गर्म बादाम जैसी आंखों के लिए दुनिया भर में प्रशंसित हैं। यद्यपि उन्हें प्रायः विनम्र माना जाता है, परंतु वास्तव में वे मजबूत और स्वतंत्र होती हैं तथा ऐसे साथी की तलाश करती हैं जो उन्हें सच्चा प्यार और सम्मान दे। उनके लिए भौतिक संपदा रिश्ते में वास्तविक स्नेह और सम्मान से कम महत्वपूर्ण है। विदेशी पुरुषों से विवाह करने वाली वियतनामी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जिसके पीछे विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारक हैं। ऐसे विवाहों से प्राप्त वित्तीय स्थिरता से उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो सकती है तथा जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। वियतनामी महिलाएं अक्सर विदेशी पुरुषों, विशेषकर पश्चिमी पुरुषों को स्थानीय पुरुषों की तुलना में अधिक चौकस और समर्पित साथी के रूप में देखती हैं, जिससे विदेशी से विवाह करने का विचार विशेष रूप से आकर्षक हो जाता है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए वियतनाम अपने कम जीवन यापन लागत के कारण एक आकर्षक गंतव्य है। एक अकेला प्रवासी $615 से $1,350 प्रति माह के बजट पर आराम से रह सकता है। शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया $350 से $700 के बीच है, जिसमें भोजन और मनोरंजन के लिए मासिक खर्च $100 से $200 तक है। वियतनाम सेवानिवृत्त लोगों के लिए सुरक्षित और परिष्कृत वातावरण प्रदान करता है। मानक सावधानियां बरतकर और जानकारी रखकर सेवानिवृत्त लोग स्वस्थ जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा हनोई और हो ची मिन्ह सिटी जैसे प्रमुख शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले अस्पताल हैं, जो उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करते हैं। वियतनाम के अंतर्राष्ट्रीय डेटिंग और विवाह परिदृश्य की बढ़ती लोकप्रियता के साथ पड़ोसी देश कंबोडिया को देखना रोमांचक है, जो विदेशियों के लिए रोमांटिक संबंध और किफायती जीवन यापन दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।
नंबर 5 कंबोडिया। कंबोडियाई महिलाओं में विदेशी पुरुषों से विवाह करने की बढ़ती प्रवृत्ति आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की चाह से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त विदेशी साझेदारों को अक्सर अधिक सम्मानजनक और सहयोगी के रूप में देखा जाता है, जबकि स्थानीय पुरुषों को अक्सर बेवफाई और घरेलू हिंसा के लिए जाना जाता है। कंबोडिया में लगभग 5 में से 1 महिला को अपने अंतरंग साथी से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है, जबकि 1/3 महिलाएं भावनात्मक दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। तलाकशुदा महिलाओं को अक्सर गंभीर सामाजिक आलोचना और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे विदेशी जीवन साथी उनके लिए विशेष रूप से आकर्षक बन जाते हैं। कंबोडियाई महिलाओं को परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण के लिए सराहा जाता है, जो अपनी सुंदरता, लंबे काले बालों और पश्चिमी और कोरियाई सौंदर्य आदर्शों से प्रभावित गोरी त्वचा के लिए जानी जाती हैं। वे आधुनिक भूमिकाओं को मजबूत पारिवारिक संबंधों के साथ संतुलित करते हैं, जिससे किसी भी साझेदारी को समृद्ध बनाया जा सके। कंबोडिया में रहना किफायती है। यहाँ एक व्यक्ति का मासिक खर्च लगभग $600 किराया छोड़कर है। शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया लगभग $388 है, जो कुल मिलाकर लगभग $1,000 प्रति माह है। बजट रेस्तरां में भोजन करने पर प्रति भोजन लगभग $3.60 का खर्च आता है, तथा मासिक उपयोगिता व्यय औसतन $94 होता है। कंबोडिया माई सेकंड होम CM2H कार्यक्रम विदेशी निवेशकों और सेवानिवृत्त लोगों को आकर्षित करता है। सरकार द्वारा अनुमोदित रियल एस्टेट परियोजना में न्यूनतम $100,000 का निवेश करने पर 10 वर्ष के लिए नवीकरणीय वीजा और 5 वर्ष के बाद संभावित नागरिकता प्राप्त होती है, जिससे कंबोडिया उन लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाता है जो स्थायी संबंधों में दीर्घकालिक निवासी बनना चाहते हैं। नंबर 4 इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में 17,000 से अधिक द्वीपों वाला एक आकर्षक द्वीप समूह इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। इंडोनेशियाई महिलाएं अपने पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक लालित्य के मिश्रण से आकर्षित करती हैं, जो अक्सर अभिव्यंजक आंखों, सांवली त्वचा और छोटी आकृति से पहचानी जाती हैं। उनके रूढ़िवादी फैशन विकल्प अभी भी शैली और लालित्य बिखेरते हैं। इंडोनेशियाई महिलाएं अक्सर व्यक्तिगत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक सुधार और संतुलित सम्मानजनक संबंधों की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विदेशी पुरुषों से विवाह करती हैं। वे पश्चिमी पुरुषों को मजबूत, खुले, रोमांटिक और सम्मानपूर्ण मानते हैं, तथा विदेशी संस्कृतियों और जीवन शैलियों में आकर्षण पाते हैं, जो नए अनुभव और आधुनिक लिंग भूमिकाएं प्रदान करते हैं। किसी विदेशी से विवाह करने से बेहतर आर्थिक अवसर और उच्चतर जीवन स्तर भी मिल सकता है। इंडोनेशिया में रहना किफायती है। यहाँ मासिक खर्च $500 से $1,200 तक है। जकार्ता और बाली जैसे शहरों में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया $300 से $800 के बीच है, जबकि शहर के केंद्र के बाहर किराया $150 से $400 तक है। स्थानीय भोजन की कीमत $1.50 से $3 के बीच है, तथा सार्वजनिक परिवहन टिकट की कीमत $10 से $30 तक है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए इंडोनेशिया पेंशन किदास पेंशन KIDAS की पेशकश करता है, जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए एक अस्थायी निवास परमिट है। इन आवश्यकताओं में एक इंडोनेशियाई नौकरानी को काम पर रखना या कम से कम $500 प्रति माह पर एक जगह किराए पर लेना, स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करना और $1,500 की न्यूनतम बैंक जमा राशि बनाए रखना शामिल है। यह वीजा 1 वर्ष के लिए वैध है और इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए किफायतीपन और सांस्कृतिक आकर्षण का आकर्षक संयोजन उपलब्ध है, इसलिए कोरिया की यात्रा करना रोमांचक है, जो सार्थक संबंध और उच्च जीवन स्तर चाहने वालों को भी आकर्षित करता है। नंबर 3 दक्षिण कोरिया। हाल के वर्षों में खूबसूरत कोरियाई महिलाओं का विदेशियों से विवाह करने का चलन बढ़ गया है। वर्ष 2021 में लगभग 5,000 महिलाओं ने विदेशियों से विवाह किया, जो दक्षिण कोरिया में हुए 15,000 अंतर्राष्ट्रीय विवाहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वृद्धि सांस्कृतिक जिज्ञासा, सोशल मीडिया प्रभाव, वैश्विक पॉप संस्कृति तथा शिक्षा और करियर के अवसरों जैसे व्यवहारिक लाभों से उपजी है। जैसे जैसे दक्षिण कोरिया वैश्विक स्तर पर एकीकृत होता जाएगा, ये प्रवृत्ति जारी रहेगी, जिससे देश की सांस्कृतिक विविधता समृद्ध होगी। कोरियाई महिलाओं का व्यक्तित्व खुशमिजाज और सकारात्मक होता है। यद्यपि वे धैर्य और सम्मान जैसे पारंपरिक एशियाई पारिवारिक गुणों का प्रदर्शन करती हैं, फिर भी वे कुछ अन्य एशियाई देशों की महिलाओं की तुलना में अधिक खुले और हसमुख होते हैं। उनकी पतली काया, नाजुक नाक और साफ, बेदाग त्वचा, जो अक्सर कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा बढ़ाई जाती है,
के कारण वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। दक्षिण कोरिया आधुनिक जीवन शैली, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल, कम अपराध दर और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मोहक मिश्रण भी प्रदान करता है। देश का उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन और अच्छी तरह से जुड़े शहर इसे घूमना आसान बनाते हैं। जीवन यापन की लागत अलग अलग होती है। एकल व्यक्ति का मासिक व्यय $870 से $2,000 तक होता है। सियोल में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया $500 से $1,000 के बीच है, जबकि बुसान या डेगू जैसे छोटे शहरों में इसकी कीमत $200 से $800 तक है। यद्यपि कोई विशिष्ट सेवानिवृत्ति वीजा नहीं है, फिर भी सेवानिवृत्त लोग अक्सर दीर्घकालिक प्रवास या निवेशक वीजा का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें दक्षिण कोरिया के कई लाभों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। नंबर दो, थाईलैंड। हाल के वर्षों में अधिक संख्या में थाई महिलाएं विदेशी पुरुषों से विवाह कर रही हैं। वर्ष 2022 में 4,000 से अधिक तथा वर्ष 2023 में लगभग 6,000 विवाह होंगे। ये प्रवृत्ति विशेष रूप से आसियान जैसे क्षेत्रों में प्रबल है, जहां चुनौतीपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां महिलाओं को विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो लोग पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को महत्व देते हैं, उनके लिए थाई महिला से विवाह करना एक अद्भुत विकल्प है। थाई महिलाएं अपनी वफादारी, स्पष्टवादिता और कठिन परिस्थितियों में शांत व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। वे अपने पतले शरीर, रेशमी काले बाल, बादाम के आकार की आंखों, चमकदार त्वचा और सुंदर उपस्थिति के लिए प्रशंसित हैं। कई थाई महिलाएं अमेरिकी संस्कृति की प्रशंसक हैं तथा अपने देश के पुरुषों की तुलना में अमेरिकी पुरुषों को अधिक वफादार और रोमांटिक मानती हैं। कई लोगों के लिए विदेशी से विवाह करना वित्तीय सुरक्षा और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का मार्ग दर्शाता है। थाईलैंड में रहना कई अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है। स्थान और जीवन शैली के आधार पर एक व्यक्ति का मासिक खर्च $800 से $1,500 तक होता है। बैंकॉक शहर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया लगभग $500 से $750 प्रति माह है, जबकि छोटे शहरों में ये किराया $200 से $400 तक है। निजी स्वास्थ्य बीमा की लागत $30 से $100 प्रति माह तथा सार्वजनिक परिवहन की लागत $30 से $50 प्रति माह होती है। थाईलैंड विदेशियों के लिए सुरक्षित माना जाता है तथा यहाँ अपराध दर कई पश्चिमी देशों की तुलना में कम है। विदेशी सेवानिवृत्त लोग सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्त लोगों के लिए उपलब्ध विकल्प वित्तीय स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं, जिसमें एक वर्ष के नवीकरणीय वीजा से लेकर दीर्घकालिक विशिष्ट सदस्यता तक शामिल हैं, जो थाईलैंड को एक अनुकूल सेवानिवृत्ति गंतव्य बनाते हैं। अंत में हम उन लोगों के लिए शीर्ष विकल्प पर आते हैं जो आर्थिक स्थिरता की तलाश में हैं और अंतर्राष्ट्रीय विवाह चाहते हैं। नंबर एक, फिलीपींस। कई विदेशी दुल्हने के वन वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका आती हैं और आगमन के तुरंत बाद विवाह कर लेती हैं। वर्ष 2022 में लगभग 5,000 के एक वीजा धारक फिलीपींस से थे, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय विवाहों के लिए शीर्ष देश बन गया। इसके अतिरिक्त फिलीपींस में लगभग 3.5% विवाह फिलिपिनो और विदेशियों के बीच होते हैं। ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल क्यों है? फिलीपीन महिलाएं अक्सर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा अपने परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी पुरुषों से विवाह करती हैं। कुछ फिलिपिनो महिलाएं मिश्रित नस्ल के बच्चों की इच्छा रखती हैं, जिन्हें अक्सर गोरी त्वचा और कोकेशियन विशेषताओं को तरजीह देने वाले सामाजिक सौंदर्य मानकों के कारण अधिक आकर्षक माना जाता है। किसी विदेशी से विवाह करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं, साथ ही नई संस्कृतियों और जीवन शैलियों का अनुभव करने का मौका भी मिल सकता है। फिलीपीन महिलाएं प्राकृतिक रूप से सुंदर होती हैं, उनकी त्वचा का रंग सांवला, बाल काले और आंखें बादाम के आकार की होती हैं। वे रिश्तों में पारंपरिक हैं, अपने पतियों के साथ बहुत सम्मान से पेश आती हैं और उन्हें स्नेहपूर्ण, मित्रवत, बुद्धिमान और मजेदार महसूस कराती हैं। वे आकर्षक बातचीत करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दीर्घकालिक संबंधों के लिए आवश्यक है। फिलीपींस में रहना अविश्वसनीय रूप से सस्ता है। $1,100 से $2,000 प्रति माह में आप किराया, उपयोगिता, भोजन, परिवहन और मनोरंजन सहित आरामदायक जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। अधिक मित्रीय दृष्टिकोण के साथ $600 प्रति माह पर्याप्त है। डाउनटाउन में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत $300 से $500 के बीच है, जबकि शहर के बाहर इनकी कीमत $150 से $300 तक है।
फिलीपींस में विशेष सेवानिवृत्त वीजा कार्यक्रम भी है, जैसे कि विशेष निवासी सेवानिवृत्त वीजा, जो दीर्घकालिक प्रवास के विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करता है, जिससे ये सेवानिवृत्त होने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, जिससे अमेरिकी सेवानिवृत्त लोगों के लिए दैनिक जीवन में संचार आसान हो जाता है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी स्क्रीन पर आने वाले अगले वीडियो को अवश्य देखें। आप निश्चित रूप से अगले वीडियो को पसंद करेंगे। कृपया कमेंट टिप्पणी करें कि आगे आप किस देश की यात्रा पसंद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।